का प्रोसीजर कवर करते हैं वो यूनाइटेड इंडिया की तरफ से ही कर पाते हैं। यूनाइटेड इंडिया इसमें पूरा सपोर्ट करता है हमें, यूनाइटेड इंडिया की तरफ से ही पॉलिसी वगैरह दी जाती है इसमें। ये टोटल शिशु विकास योजना है। A3NIT सर्विसेज जो इसको आप लोगों तक पहुंचा पा रही है, ये मुख्यतः 900 से ज़्यादा NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें डायरेक्ट हेल्प करती है इस पूरा, ये जो आपकी प्रीमियम वगैरह जाती है एवरी ईयर उसको देने में। इसके अलावा अभी हम लोग और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिस पे अभी काम चल रहा है, जैसे कि हम किसानों के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल, जल्द ही हम एक डिजिटल स्कूल ओपन करने वाले हैं यहीं कश्मीर में, जिसमें अलग अलग स्टेट के टीचर्स आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे पाएंगे, जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे एजुकेशन की सुविधा में नहीं पहुँच पा रही है वहाँ हम पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। A3N का मेन विजन है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को अवेयर कराना, अच्छे एजुकेशन को प्रोवाइड करना और अच्छी फैसिलिटीज जो पूरे इंडिया में है जो यहाँ नहीं है उसको यहाँ तक लाना, जैसे कि एम्बुलेंस भी हम जल्दी यहाँ ला रहे हैं। 10 एम्बुलेंस आपको मे बी जून जुलाई तक यहाँ पे हमारे अवेलेबल होंगे, मई में उसकी प्रोसीजर स्टार्ट हो रहे हैं और जितना हो सकेगा हमारी तरफ से कंप्लीट सपोर्ट रहेगा कि जो हम यहाँ पे दे सकें। अशरफ सर हैं हमारे जो इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे कश्मीर में रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं स्टेज पे दावत देता हूँ जी एम अशोक साहब को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं जम्मू एंड कश्मीर अलामीन जेके फाउंडेशन के। मैं उनको दावत देता हूँ, सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट को वेलकम करें। मैं जी एम अशोक साहब से दावत करता हूँ कि वो स्टेज पे आके हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम दे दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esteemed Advisor to LG Shri Farooq Ahmed Khan Saab Director Social Welfare Director Food Director A3N other guests, students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी इस फंक्शन को
छोटी मोटी फंक्शन को इतनी अहमियत दी, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप सब जानते हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर